हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी के चैनल पर स्वागत है। देखिए एनटीए नीट के द्वारा जो आपका रिजल्ट से रिगार्डिंग जो लेट हो रही है और साथ साथ क्या हुआ, फेस टू का रजिस्ट्रेशन आपका विंडोज ओपन कर दिया गया है 26 तारीख तक। तो आपको क्या लगता है, ये एनटीए का दरिया दिली है? जी नहीं, यहाँ पर आप गलत सोच रहे हैं कि एनटीए का दरिया दिली है। आपको ये पता है कि एनटीए के द्वारा एनटीए पर कई बार एलिगेशन लगा है, पेपर लीक का मामला हो, सीबीआई जांच हो गई, सारे चीज आने के बावजूद भी जो है एनटीए का एक भी पच, एक स्टेटमेंट भी, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। ये कहीं ना कहीं एनटीए जो है पूरी तरह से अब फंसती हुई नजर आ रही है। अब देखिए मुंबई हाई कोर्ट ने जब एनटीए को ये चीज को ऑर्डर दिया कि आपको दो बच्चे को एग्जामिनेशन 2 हफ्ते के अंदर में ले लेना है, अब एनटीए क्या है इसको अपने इंसुलेटर, जो कि इंसुलेटर जो होते हैं एग्जामिनेशन पे, वो बच्चे जो भी इंसुलेटर होते हैं वो तो एनटीए के द्वारा या कोई एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करती है उसी का इंसुलेटर होता है, वो अपने इंसुलेटर को बचाने के लिए वो क्या कर रही है, फेस टू का रजिस्ट्रेशन को ओपन कर दिया ताकि वो फेस टू के रजिस्ट्रेशन में आप बच्चे इन्वॉल्व हो जाए, वो ये मुद्दा और आगे नहीं बढ़े। जबकि रिजल्ट में अब जो है हर हाल में लेट होना संभावना बन चुकी है, इसलिए क्योंकि एनटीए के द्वारा जो अब दो बच्चों का जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उनका रिजल्ट आएगा तब जाके रैंक तैयार होगा। एनटीए जो है हमारे उस बच्चों के साथ काफ़ी बेइंसाफी कर रही है, यानी इंसाफ नहीं कर रही है। जो बच्चे गरीब तबके के या दो बच्चे तो कोर्ट पहुंच गए क्योंकि संपन्न परिवार से संबंधित है, लेकिन उन ऐसे बच्चों का क्या होगा जो बेचारे गरीब परिवार से, मिडिल परिवार से रहते हैं, बिलोंग करते हैं, उनका तो सपना अधूरा ही रह जाता है। यही है अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम इंडिया का एक सवाल। ये मेरा इस वीडियो के माध्यम से उठाता हूँ कि क्या यही एजुकेशन सिस्टम है हमारे इंडिया का। सो गाइस, लेटेस्ट वीडियो को चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल नोटिफिकेशन। जय हिंद, जय भारत।